या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से, या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है? तो आज मैं लिखित रूप में उनसे पूछने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना के एकलौते व मुतनाज़िया बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस के जानिब से आगाह किया गया है कि उनकी जान खतरे में है। अपने तकरीरों के जरिए मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले गोशामेल एमएलए, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई केसेस दर्ज हैं, पुलिस ने बुलेट प्रूफ कार फराहम किया है और मोटरसाइकिल पर बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। पुलिस के जानिब से 24 अगस्त को वसूल हुई खत से परेशान राजा सिंह ने मीडिया को दिया गया बयान में बताया कि वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली को खत लिखेंगे कि कौन इन्हें मारना चाहता है। सर जी, मेरे को एक लेटर भेजे और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपको टू व्हीलर में नहीं घूमना है और आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है क्योंकि आपको थ्रेट है। तो मैं कमिश्नर जी को आज मेल लिखने वाला हूँ, पत्र लिखने वाला हूँ, एवं हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर एवं मुख्यमंत्री को आज लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे किससे जान से खतरा है। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से, या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है? तो आज मैं लिखित रूप में उनसे पूछने वाला हूँ। वैसे तो कई वर्षों से कोई ना कोई एक संगठन मुझे टारगेट में रखा है और कई बार ISI एजेंट टारगेट में रखे थे जो अरेस्ट भी हुए, और एक विखारुद्दीन नामक एक टेररिस्ट था, उसने भी मुझे टारगेट में रखा था। सो तेलंगाना पुलिस ने उसको वो समय पर भी इनकाउंटर किया था। सो आज अचानक इस प्रकार से लेटर भेजना, और दिल्ली में एक ISI एजेंट पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे उससे ही लिंक लगता है कि ऐसे कई हिंदूवादी नेताओं को या बीजेपी के कुछ नेताओं को उन्होंने टारगेट किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं कमिश्नर जी से एवं होम मिनिस्टर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैं लिखित में आपको दूंगा कि आखिर मुझे किससे थ्रेट है, वो आपको बताने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैंने एक दो साल पहले भी आपको गन लाइसेंस के लिए अप्लीकेशन दिया था, सो वो गन लाइसेंस भी आपने नहीं दिया, आपके टेबल में आपने रख लिया है हमारे सिटी कमिश्नर जी ने। तो तुरंत मुझे गन लाइसेंस देने के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और साथ ही साथ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जान को किससे खतरा है, वो भी अगर आप लिखित रूप में नहीं देते परवाह नहीं, कम से कम हमें बुलाकर, ऑफिस में बुलाकर बताइए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से, इन लोगों से खतरा है, तो हम भी हमारी सिक्योरिटी किस प्रकार से हमें करना है, हम भी वो प्लान कर सकते हैं। क्योंकि तेलंगाना सरकार की जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार से है, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो मेरी जान को मुझे बचाना है, मेरे कार्यकर्ताओं को या मेरे परिवार को मुझे ही बचाना है, तो उस विषय में भी मैं प्लान कर सकता हूं। तो अगर आप मुझे बताते हैं कि मुझे किससे खतरा है, तो मैं मेरी सेफ्टी भी कर सकता हूं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, Lenovo, लैपटॉप एक्सेसरीज, उम्दा क्वालिटी, नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो, तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। Top selection.